हमारे शरीर के लिए दूध कितना फायदेमंद है ये तो सब आप जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप यह भी जानते हैं कि दूध से कुछ ज्योतिषीय उपाय भी होते हैं। दूध के ज्योतिषीय उपाय करने से जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो इस वीडियो में दूध के कुछ ऐसे उपायों के बारे में हम आपको बताएंगे जिन्हें करने से आपको कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी वाले निशान को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुरी नजर उतारने के लिए दूध के टोटके। दूध किसी भी तरह की बुरी नजर के प्रभाव को दूर करने के लिए एक बहुत अच्छे टोटके का साधन है। इस टोटके को करने के लिए रविवार की रात को सोने से पहले एक गिलास में दूध भरकर अपने सिर के पास रखें। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यह दूध बिल्कुल भी गिरना नहीं चाहिए। सोमवार की सुबह उठने के बाद आप अपने सभी नित्य कर्मों को पूरा करने के बाद इस गिलास में रखे दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ों में डाल दें। यह प्रक्रिया आप प्रत्येक रविवार को करें। ऐसा करने से बुरी नजर का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और आपके कामों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाएंगी। अगर आप पास धन की कमी है या धन रुकता नहीं है तो दूध का यह टोटका आपको मालामाल करने की क्षमता रखता है। इस टोटके को करने के लिए घर में मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें और फिर एक लोहे के बर्तन में जल, दूध और बहुत थोड़ी सी चीनी मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके फिजूल खर्चों में कमी आने लगेगी और आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ध्यान रहे कि पीपल की जड़ों में दूध डालते समय आप पीपल के पेड़ की छाया में ही खड़े हों। कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद महादेव शिव के मंदिर में जाएं और मंदिर में शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। यदि यह उपाय लगातार 7 सोमवार आप करते हैं तो महादेव शिव आप पर जरूर कृपा करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और साथ ही ग्रहों के बुरे प्रभाव से भी आपकी रक्षा होगी। यदि किसी के जीवन में एक के बाद एक कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं तो शुक्ल पक्ष में आने वाले पहले मंगलवार को 400 ग्राम दूध से एक कटोरी चावल धोकर किसी बहती नदी में बहा दें। यह उपाय अगर आप लगातार 7 मंगलवार तक करते हैं तो जीवन में होने वाली दुर्घटनाएं रुक सकती हैं और आपके जीवन में शांति फिर से बन सकती है। शास्त्रों के अनुसार हमारे मृत पूर्वज और परिवारजनों को पितृ देवता माना जाता है और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे और पितरों की तृप्ति के लिए अमावस से पहले आने वाले 14 के दिन बरगद या फिर पीपल के पेड़ को दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है जिससे घर परिवार में समृद्धि और खुशहाली आती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपको किसी भी कार्य में बढ़िया सफलता नहीं मिल पा रही है तो घर के पास के कुएं या नदी या तालाब में कच्चा दूध डालें। बेहतर होगा कुएं में और वह कुआं सूखा नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी और सामान्य कार्यों में फिर से सफलता मिलने लगेगी। दोस्तों है ना ये बहुत आसान और असरदार टोटके, लेकिन इन टोटकों को करने से पहले आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना होगा। इन टोटकों पर व्यक्ति को पूरा विश्वास करना होगा क्योंकि बिना विश्वास के ये टोटके बेअसर रहेंगे। दूसरा, इन टोटकों को करने से पहले या करते समय किसी अन्य व्यक्ति से इसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करें। तीसरा,
किसी के बारे में कोई बुरे विचार या शत्रुता अपने मन में न रखें, और चौथा धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप भी किसी विषय में और अधिक विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। दोस्तों, इस विषय पर अगर आप और अधिक जानना या पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, और उन आर्टिकल्स के लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फेसबुक, ट्विटर, स्टम्बल अपॉन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपके साथ हमने साझा कर दिए हैं।